नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि प्रश्नों का स्वरूप कैसे होता है, जो टीजीटी पीजीटी या एनटीए नेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तथा उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ हम आंसर भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 9। पहला प्रश्न है, हैक्सन ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार निम्नलिखित अंतर के कारण होता है। पहला आंसर है साधन संपन्नता, दूसरा रुचि, तीसरा मांग की दशाएं, और फोर्थ है प्रवृत्ति, यानी इसमें से किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है साधन संपन्नता, अर्थात एक देश कौन सा साधन संपन्न है उसके आधार पर दो देशों के बीच व्यापार का निर्धारण किया जाता है हैक्सन ओहलिन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुकूलतम प्रशुल्क, अनुकूलतम प्रशुल्क दर वो दर है जिस पर, अनुकूलतम प्रशुल्क वो दर है जिस पर, अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रशुल्क से होने वाले लाभ को अधिकतम करता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रशुल्क से होने वाली हानि को न्यूनतम करता है। थर्ड ऑप्शन है प्रशुल्क से होने वाले लाभ और हानि को बराबर करता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर क्यों करेक्ट है, क्योंकि सरकार जब प्रशुल्क लगाती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्रशुल्क के एक निगेटिव पक्ष होता है, एक पॉजिटिव पक्ष होता है। निगेटिव पक्ष ये होता है कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार कम होने लगता है, व्यापार कम होने लगता है। वही पॉजिटिव पक्ष क्या होता है कि इससे हमको प्रशुल्क के रूप में शुल्क या इनकम जनरेट होने लगती है। तो वो शुल्क की दर जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में व्यापार प्रभावित ना हो, यानी निगेटिव इफेक्ट का प्रभाव कम से कम हो और पॉजिटिव इफेक्ट का प्रभाव मैक्सिमम हो, वो दर अनुकूलतम प्रशुल्क कहलाती है। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं दो देश है एक दूसरे पर प्रशुल्क लगाते हैं, तो प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप प्रशुल्क जब लगाते जाते हैं तो व्यापार की मात्राएं लगातार कम होती चली जाती है और अंत में एक ऐसी दर आ जाती है जहां पर व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल हो जाती हैं तथा व्यापार से हुआ निगेटिव प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। आइए अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कार्यकरण के सिद्धांत को विकसित किया, यानी ये जो चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। पहला ऑप्शन है गुरनाल मिर्डाल, दूसरा ऑप्शन है जॉन रॉबिन्सन, थर्ड ऑप्शन है पी बुके, और फोर्थ ऑप्शन है जे आर हिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरनाल मिर्डाल ने चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत गुरनाल मिर्डाल ने प्रस्तुत किया था। ये क्षेत्रीय जो विषमता होती है या क्षेत्रीय विकास से संबंधित सिद्धांत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर कब प्राप्त होती है, आदर्श वृद्धि दर कब प्राप्त होती है इस पर हमको विचार करना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कहां पर जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर, पहला प्रथम चरण में, दूसरा द्वितीय चरण में, तीसरा तृतीय चरण में, चौथा आपका द्वितीय तथा तृतीय दोनों चरणों में, किस चरण में आदर्श वृद्धि दर हुई है। तो हम याद रखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, वो आदर्श वृद्धि दर वो दर होती है जब ये आप चारों स्टेज को यहां पर फिर से प्लॉट कर लीजिए, हमने चारों स्टेज को प्लॉट कर लिया। फर्स्ट स्टेज वो होती है जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होती है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज वो होती है जिसमें ये बर्थ रेट ऊपर है, हमने डेथ रेट को नीचे कर दिया, जिसमें बर्थ रेट तो वही रहती है बट डेथ रेट कम हो जाती है। तो यहां पर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ज्यादा होता, सबसे तेजी से सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर डेथ रेट मिनिमम हो जाती है और बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगती है, अर्थात हमारे पास जनसंख्या जो विस्फोट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होने लगता है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम वृद्धि होने लगती है,
और फोर्थ स्टेज में दोनों मिनिमम पे हो जाते हैं। तो याद रखना थर्ड स्टेज जितना बेस्ट स्टेज यही ऑप्टिमम स्टेज है, यही ऑप्टिमम स्टेज है। तो यही स्टेज है जहां पर आदर्श जनसंख्या वृद्धि दर हमें प्राप्त होती है। अतः आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विकास को असंतुलन की एक श्रृंखला के रूप में किसने व्यक्त किया? असंतुलन की एक श्रृंखला, ठीक है, असंतुलन की एक श्रृंखला के रूप में किसने व्यक्त किया? तो हम देखते हैं आंसर, रुजिस्टीन रोडान पहला ऑप्शन, सेकंड बॉल्डविन, थर्ड लिबनिस्टीन, फोर्थ हर्समैन। तो याद रखिए विकास को असंतुलन की एक श्रृंखला प्रोफेसर हर्समैन ने कहा, और हर्समैन ने अपने असंतुलित समृद्धि मॉडल में इन्होंने असंतुलित तुलित समृद्धि मॉडल में कहा असंतुलन की एक श्रृंखला हमको जारी रखनी होगी, अर्थात अगर असंतुलन समाप्त होता तो विकास की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमें लगातार असंतुलन जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में बनाए रखना होगा। और असंतुलन किसके बीच में? डीपीए तथा एसओसी के बीच में असंतुलन की श्रृंखला जारी रखनी चाहिए। जहां पर डीपीए और एसओसी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वहां पर अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है, अर्थात या तो डीपीए के माध्यम से असंतुलन जारी करिए या तो एसओसी के माध्यम से आप असंतुलन को जारी रखिए। नेक्स्ट है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश की संज्ञा किसने दिया था? यानी जो हमने पूंजीवाद में जो हमारे पास आज सृजन है वही कल का विनाश का कारण बनेगा, किसने दिया था? फर्स्ट जोसेफ शूमपीटर ने, सेकेंड कार्ल मार्क्स ने, थर्ड हैंसन एल्विन ने, फोर्थ रोजा लग्जमबर्ग ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे बहुत नियर आंसर प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने दिया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ शूमपीटर ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवाद है ये क्या होता, सृजनात्मक विकास की संज्ञा यानी सृजनात्मक विनाश की तरफ हमको ले जाता, यानी पूंजीपति अपना विनाश स्वयं करने लगते हैं। नेक्स्ट है, प्रबल प्रयास सिद्धांत किस घटक की अविभाज्यता पर बात करता है? यानी प्रबल प्रयास सिद्धांत या बिग पुश थ्योरी के अंतर्गत, बिग पुश थ्योरी के अंतर्गत कितनी प्रकार की इंडिविजुअलिटीज अविभाज्यताओं पर बात की गई थी? पहला मांग की अविभाज्यता पर, दूसरा उत्पादन फलन की अविभाज्यता पर, तीसरा बचत की पूर्ति की अविभाज्यता पर, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर करेक्ट है, प्रोफेसर रोजिस्टीन रोडान ने तीनों प्रकार की अविभाज्यताओं को कहा कि मांग की अविभाज्यता, एक अल्पविकसित देश में मांग बहुत कम होती है अतः एक बड़ी मांग हमको पैदा करना पड़ेगा, दूसरा इन्होंने कहा था उत्पादन फलन की अविभाज्यता होती है, हमारा प्रोजेक्ट जो होता है बीच में ही रुक जाता, अर्थात इतना अधिक निवेश हमको करना चाहिए ताकि उत्पादन फलन हमको फ्रूट्स देने लगे, और थर्ड है ये अल्पविकसित देशों में गरीबी बहुत होती है जिसके परिणाम स्वरूप बचते कम होती हैं, एक हमको ह्यूज अमाउंट में सेविंग्स चाहिए, अतः डी ऑप्शन करेक्ट है जो तीनों को लेकर के चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र, जो सेवा सेक्टर है वो उसका योगदान क्या है? जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का जो शेयर है क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, जो भी। पहला ऑप्शन घटता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा सर्विस सेक्टर का जो वैल्यूज है, पहला ऑप्शन कह रहा है घटेगा, सेकंड बढ़ता है, थर्ड स्थिर बना रहता है, फोर्थ अस्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ सर्विस सेक्टर का जो सर्विस सेक्टर का शेयर है वो कॉन्टिन्यू बढ़ता चला जाएगा, सर्विस सेक्टर का कॉन्टिन्यू शेयर बढ़ता चला जाता है, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच इंट्रैक्शन, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है इसके बीच की अंतर क्रिया को बढ़ाने वाला क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। तो इसके बीच की अंतर के दोनों क्षेत्र बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच में, यानी प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच के अंतर क्रिया को बढ़ाने वाला क्षेत्र क्या है, सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा,
बैंक, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इनका मान बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी में इन दोनों के बीच प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बीच तेजी से विकास हो पाएगा। इसीलिए नेक्स्ट है निम्न संतुलन पास, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की अवधारणा किसने दिया? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की अवधारणा किसने दिया? तो लेवल पहला है हैरट ने, दूसरा डोमर ने, तीसरा नेल्सन ने, चौथा कुजनेट ने। किसने दिया? तो इसको नेल्सन ने दिया था लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की। इन्होंने कहा कि अल्प विकसित देश लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में, अल्प विकसित देश लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसे होते हैं, जब राष्ट्रीय आय के द्वारा या प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के द्वारा इनको हम बढ़ाते हैं तो उससे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और परिणाम पर कैपिटा इनकम की बढ़ने की दर तेज नहीं होती, पुनः हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैक पर आकर के फंस जाते हैं। प्रोफेसर नेल्सन ने कहा कि अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे पास पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर पॉपुलेशन की वृद्धि दर से ज्यादा हो जाए और हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से हट जाए। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि के विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी टेक्निकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बनाया और उस पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किस अर्थशास्त्री ने? अमर कुमार सेन ने, ए के सेन सर ने, हैरट डोमर ने, की ओहलिन ने, की सोलन ने? किसने पाया? किस अर्थशास्त्री ने टेक्निकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का रिलेशनशिप को बैठाया, स्पष्ट डिफाइन किया और उसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर सोलो को। सोलो ने को नोबेल पुरस्कार तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए दिया गया और वास्तव में इसका कारक था कि जैसे जैसे तकनीकी विकास और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कैसे क्या रिलेशनशिप है, इस पे इन्होंने अपनी चर्चा की थी। नेक्स्ट है सोलो से 11th क्वेश्चन है, सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? देखिए मैंने साफ साफ आपको जितने लेक्चर्स दिए मान्यताओं पर मैंने स्पेशल होमवर्क कराया है, मान्यताओं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इसमें बताइए, फर्स्ट बचत अनुपात स्थिर रहता है कि दूसरा उत्पादन फलन समरूप है कि थर्ड मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है कि फोर्थ श्रमिकों को पूर्ण रोजगार है? तो सोलो की जब आप मान्यता जरूर देखिए तो इसमें देखिएगा कि वहां पर प्रोफेसर सोलो ने मूल्य तथा मजदूरी को अस्थिर माना है, स्थिर नहीं लोचशील उन्होंने माना है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन यानी लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, क्या होता है? आय और उपभोग के अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है कि आय और उपभोग के गैर अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है कि आय और उपभोग के चरघाती संबंध को व्यक्त करता है कि आय और उपभोग के संबंध को व्यक्त नहीं करता? तो याद रखिए दीर्घकालीन उपभोग फलन जो होता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन मूलबिंदु से निकलता है और लगातार ऊपर की ओर सीधी रेखा के रूप में चला जाता है और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है आधार अक्ष पे इनकम बढ़ती जाती है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता चला जाता है और सीधी रेखा है अर्थात आय तथा उपभोग के मध्य अनुपातिक संबंध को ये रिप्रेजेंट करेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, अतः ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है उपभोग फलन, मान लीजिए दिया हुआ है, ये लो उपभोग फलन दिया हुआ है, क्या सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई में व्यवहार जन्य गुणांक कौन है, जो बिहेवियर कोफिशिएंट कौन सा है यहाँ पर वो हमको बताना है कि बिहेवियर कोफिशिएंट कौन सा है, पहला ए, दूसरा बी, यानी पहला ए है ये बिहेवियर कोफिशिएंट को दिखाता है कि बी ये दिखाता है कि सी वाई दिखाता है कि डी सी को दिखाता है, कौन सा है? तो याद रखना जो इसमें बिहेवियर कंपोनेंट है ये आपको बी शो कर रहा है,
20 होकर रहता है, अर्थात क्यों, क्योंकि यह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और यह किसी इंसान के बिहेवियर में होता है कि उसको अपनी आय में से कितना प्रतिशत, कितना भाग बढ़ी हुई आय से उपभोग करता है। तो बी जो हमारे पास होता है ये बिहेवियर कोफिशियंट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात आपके व्यवहार को। यही एक ऐसा वेरिएबल है जो इकोनॉमी में किसी चीज को शून्य होने से बचाता, क्योंकि आपका उपभोग कभी शून्य नहीं होता है ना। तो ये एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है और एमपीसी ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, ISLM प्रारूप निर्धारित करता है। जो ISLM आपने मॉडल पढ़ा है उसमें जब IS और LM दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, देखिए ये IS है ये LM है, ओके, जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, आय तथा ब्याज की दर के संबंध को बताता है कि आय तथा उपभोग के बीच में व्यय में संबंध बताता है कि आय तथा बचत के बीच में संबंध बताता है कि स्फीति तथा बेरोजगारी के बीच में। तो याद रखना जहां पर IS और LM दोनों बराबर होते हैं, आधार अक्ष पर आपने क्या लिया था, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को लिया था, लंब अक्ष पर आपने क्या लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को लिया था। तो जब आप लंब यहां से डालते हो तो ये नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप वर्टिकल अक्ष पर लंब डालते हो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है, तो यानी ब्याज की दर और नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आधार अक्ष और लंब अक्ष के विषय में भी पूछ लिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। तो ISLM डिटरमाइन करता है नेशनल इनकम को एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को याद रखना, ये दो कंपोनेंट को डिटरमिनेशन करता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या है तथा अर्थव्यवस्था के में जो इनकम है, नेशनल इनकम लेवल है वो क्या है। नेक्स्ट है, त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध किससे है, त्वरक फर्स्ट ब्याज की दर से, सेकंड बचत से, चौथा मांग की वृद्धि दर से या जनसंख्या से। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में उपभोग के लिए मांग की वृद्धि होती, उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत निवेश होता है, इसी के बीच के संबंध को, उपभोग मांग तथा पूंजीगत निवेश के बीच के संबंध को हम त्वरक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी मांग की दर से सबसे क्लोज है, यानी जब उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो पूंजीगत निवेश बढ़ता है, तो वही कॉम्बिनेशन आपका त्वरक कहलाता है, तो ये इससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, रोजगार में प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि हो जाती है, यानी रोजगार में एम्प्लॉयमेंट पहले धीरे से बढ़ता है, प्रत्यक्ष वृद्धि के परिणाम स्वरूप रोजगार कई गुना बढ़ जाता है, ये संबंध किसने प्रतिपादित किया, पहले रोजगार प्रत्यक्ष बढ़ता है फिर रोजगार कई गुना बढ़ जाता है, ये संबंध किसने बताया था, किन्स ने, कि आर एफ कॉन ने, कि पीगू ने, कि जॉन रॉबिन्सन ने। तो ये सिद्धांत प्रोफेसर आर एफ कॉन ने दिया था और इस सिद्धांत को रोजगार गुणक के नाम से जाना जाता है, रोजगार गुणक के नाम से जाना जाता है। इसी के आधार पर प्रोफेसर किन्स ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था, निवेश गुणक, इसी के आधार पर डेवलप किया गया था, रोजगार के गुणक के आधार पर डेवलप किया गया था। तो रोजगार गुणक की अवधारणा प्रोफेसर आर एफ कॉन ने दिया था और उसके आधार पर प्रोफेसर किन्स ने निवेश गुणक, जिसे आप सामान्य हम लोग गुणक के नाम से जानते हैं, वो डेवलप हुआ। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किन्स प्रभाव का संबंध है, किन्स प्रभाव किससे रिलेटेड है, पहला ऑप्शन अल्प रोजगार की व्याख्या से, दूसरा जड़ मजदूरी की दर की व्याख्या से, यानी वेज डिटरमिनेशन बात करते हैं, कि तरलता जहल से है, कि कीमत स्तर में वृद्धि का मुद्रा पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से। तो याद रखना किन्स ने तो कई काम किए, ये सारी चीजें तरलता जहल भी दिए, लेकिन इनका जो है किन्स प्रभाव अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने इफेक्टिव डिमांड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है,
एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता, वही पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कहा जाता है और यहीं पर नेशनल इनकम तथा इम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर कीन्स ने का बताया कि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर हो जाता है वहीं पर आपका नेशनल इम्प्लॉयमेंट तथा नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन हो जाता है। क्लियर है? 18 नंबर क्वेश्चन, जब मूल्य 10 रुपए है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, चलिए प्रारंभिक मूल्य कितना P1 10 रुपए है, तो मांग की मात्रा 5 किलोग्राम है, क्वांटिटी कितनी है 5 है, जब मूल्य गिर करके 6 रुपए हो जाता है, P2 कितना है 6 रुपए हो जाता है, तो मांग की मात्रा बढ़ करके 4 किलोग्राम हो जाती है। मांग की मात्रा बढ़ करके 4 नहीं होगा, ये आपका 6 है, सॉरी गलती से 6 किलोग्राम हो जाती है। ठीक है, 10 रुपए में 5 किलो मांगी गई, 6 रुपए में कितनी मांगी गई, तो मांग की लोच क्या होगी। चलो, तो मांग की लोच बराबर EP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये फार्मूला होता है, इसके साथ माइनस सिंबल होता है। डेल्टा Q का मान कितना है, Q Q2 माइनस Q1 यानी डेल्टा P, यानी 6 में से Q2 माइनस Q1, Q2 में से Q1 को घटा दो तो कितना बचेगा 1 आएगा, और यहाँ पे P2 माइनस P1 4, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 4 गुणे P का मान कितना है 10, अब Q का मान कितना है 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 वन जा 10 20 यानी 0.5, अर्थात क्या होगा इकाई से कम, EP इज लेस देन 1। चलो आंसर क्या है, ग्रेटर देन 1 नो, लेस देन 1 यस यस, इक्वल टू 1 नो 0, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये मांग की लोच आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कीन्स के ब्याज सिद्धांत में तरलता जाल का क्या अर्थ है, जो लिक्विडिटी ट्रैप की बात की गई थी, लिक्विडिटी ट्रैप की बात की गई थी, वो क्या डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट, ब्याज दर में परिवर्तन करना संभव नहीं है, ब्याज दर में परिवर्तन करना संभव नहीं है, संभव नहीं। दूसरा, ब्याज दर का नीचे जाना, नीचे ना जाना, ब्याज में परिवर्तन करना संभव नहीं, ब्याज का और नीचे ना जाना, ब्याज में परिवर्तन करना हो सकता, ठीक है, करेक्ट आंसर है, मतलब ये ऊपर देखते हैं, फिर से हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्याज दर में परिवर्तन करना हो सकता है, यानी ब्याज दर चेंज हो जा सकती है। दूसरा, ब्याज दर का और नीचे ना जाना। तीसरा, मुद्रा की मांग का अति बेलोचदार हो जाना। चौथा, ब्याज दर का निर्धारण न होना। तो याद रखना, लिक्विडिटी ट्रैप ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसके बाद ये लिक्विडिटी की डिमांड है, जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी ये ब्याज की दर है कम होती जाएगी, मुद्रा की पूर्ति को फिर बढ़ाए ब्याज की दर और कम हो गई, मुद्रा की पूर्ति और बढ़ाए ब्याज की दर और कम हो गई, और उसके बाद जब मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ाए, देखिए मुद्रा की पूर्ति मैंने बढ़ाया, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाया एम वन एस वन से M2 S2 तक, तो ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एकाधिकारी निश्चित कर सकता है, क्या निश्चित, मोनोपोली फर्म जो होती है केवल क्या निश्चित कर सकती है, पहला केवल मूल्य उत्पादन नहीं, दूसरा मूल्य उत्पादन दोनों, तीसरा या तो मूल्य या तो उत्पादन, चौथा ना तो मूल्य ना तो उत्पादन। तो याद रखिए, एकाधिकारी फर्म या तो एक समय में मूल्य निर्धारित करेगी या तो उत्पादन, दोनों नहीं करेगी, या तो वो प्राइस ही निर्धारित कर ले या तो आउटपुट ही निर्धारित कर ले, बट दोनों नहीं निर्धारित कर सकती। मोनोपोली फर्म एक बार में केवल एक चीज निर्धारित करेगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन की फर्में जो परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, प्राइस कौन देता है, प्राइस देता है इंडस्ट्री, प्राइस इंडस्ट्री देता, केवल फर्म आउटपुट निर्धारित करती है। मोनोपोली फर्म दोनों कर सकती है, बट एक समय में या तो मूल्य निर्धारित करती है या तो मात्रा निर्धारित करती है। तो इस प्रकार आज के हमने ये 20 प्रश्नों के उत्तर विस्तृत व्याख्या के साथ आपके साथ प्रस्तुत किए हैं, आपको हो सकता है आपके ज्ञान वर्धन में काम आएगा।
तो ये हमारी क्लास यहीं पे संपन्न होती है। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमको जरूर पूछिएगा। थैंक यू।